फिर पहले ही चांद पर रोवर प्रज्ञान का पहला वीडियो जारी किया और इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रज्ञान रोवर की यह तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व दिलाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर से बाहर आया और इसके में दिखाई दिया है कि कैसे लैंडर से रैंप से होते हुए रोवर बेहद हल्की स्पीड से चांद की सतह पर उतरता दिखाई दिया है। ये रोवर प्रज्ञान और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा और दुनिया के लिए चांद की कई सारी जानकारियां जुटाएगा। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीर उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम टिन लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने यह कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका रूस और चीन के सिर सजा था। चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है। जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं, जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है। और इस तरह भारत के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो आज तक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। और अब जबकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग हो गई है, इसके बाद अब रोवर प्रज्ञान दुनिया की निगाहों में अब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है क्योंकि इसका काम ही पूरी दुनिया को नई जानकारी देने वाला है। क्योंकि अब रोवर प्रज्ञान ही चांद की रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाएगा और चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। और ये देखिए किस तरह से ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी। लैंडर से रोवर किस तरीके से धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ घंटे बाद ही इसने चांद की सतह पर इस तरह से चहलकदमी करनी शुरू कर दी और यही इसका काम है जो इसने उतरते ही शुरू भी कर दिया। तो अपना काम करना रोवर ने यहाँ पर शुरू कर दिया है और रोवर प्रज्ञान चांद पर 12 दिन तक रिसर्च लगातार करता रहेगा और कई रहस्य जुटाएगा।
और सबसे खास बात यह कि इसकी योजना वैज्ञानिकों ने बनाई और उसी दिशा में सफलतापूर्वक ये पूरा प्लान आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर 12 दिन तक चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर ही ये रिसर्च का काम करेगा जिस पर अब तक के कोई देश ऐसा काम नहीं कर पाया। और वही 500 मीटर के दायरों में रोवर जानकारी लगातार जुटाता रहेगा अपने आसपास और ये काम लगातार आगे बढ़ेगा। खास बात यह है कि चंद्रमा की संरचना की जानकारी भी ये रोवर जुटाएगा इसी सतह पर घूमकर कि आखिर इसकी और क्या खासियत है। और वही चांद पर मौजूद खनिजों का भी पता इसकी ओर से लगाया जाएगा और कई सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो रोवर जुटाएगा। और ये अहम बात भी है कि चांद की सतह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश होगी, भूकंप से जुड़ी भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगा और इसी के साथ साथ भूकंप के अलावा कई खनिजों का भी वो पता लगाने की पूरी कोशिश यहां पर उसकी ओर से की जाएगी। तो किस तरीके से रोवर की जो चहलकदमी है वो बढ़ती हुई यहां पर दिखेगी आपको। और इससे पहले एक वीडियो भी इसरो की ओर से जारी किया गया था किस तरीके से लैंडर से रोवर नीचे उतरता हुआ दिखा। अब आपको तीन तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहला वीडियो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का दिखाएंगे। 14 जुलाई के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था। करीब 40 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा और लैंडर विक्रम के उतरने से 2 से 3 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च होता है और लैंडर की चांद पर लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन जाता है जो साउथ पोल पर उतरा। चांद पर रोवर ने कदम रखा और हमने रोवर की मून वॉक भी देखी किस तरीके से अभी जो सारे उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। 14 दिन का अध्ययन होगा, उसके बाद तमाम जानकारियां निकल करके सामने आएगी जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, सालों की मेहनत है और उसका नतीजा भी सामने आया है। तो मिशन चंद्रयान 3 चांद पर जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है और ऐसे में अब जो रोवर की तस्वीरें सामने आई है कि सफलतापूर्वक लैंडर से रोवर अलग हो चुका है। रोवर जो जानकारियां जुटाएगा लैंडर के जरिए वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी और इसी का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि वहां पर कौन सी गैस है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर लेजर के जरिए जो वहां पर पार्ट्स है उसको पिघलाया जाएगा और जो गैस निकलेगी उसका अध्ययन वहां पर होगा। और लैंडर जिस वक्त चांद पर लैंड हुआ उसके थोड़ी देर ही में चांद का वो इलाका धूल के गुबार से भर गया और इसके बाद जब धूल का गुबार छटा तब इस पूरे करीब 1.5 घंटे के बाद लैंडर के अंदर बैठा हुआ रोवर धीरे धीरे बाहर निकला और कैसे ये सब हुआ है इस पूरी प्रक्रिया को हम अपनी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहुंच गया भारत का तिरंगा। तिरंगा लेकर चांद पर उतरा रोवर प्रज्ञान। चांद पर तिरंगे की जिस एक झलक का इंतजार हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कर रहे थे वो पल आ गया। ये चांद पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का तिरंगा है जिसके कदम चांद की सतह पर पड़ते ही नया इतिहास रच गया। चांद से आए इस वीडियो में विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला अंदर बैठा रोवर प्रज्ञान आहिस्ते से आगे बढ़ते हुए चांद की सतह पर पहुंच गया और ये प्रज्ञान के सीने पर लगा तिरंगा, चांद पर भारत की शान बढ़ाने लगा। लैंडर पर भारत के अशोक स्तंभ के ठीक नीचे तिरंगे की तस्वीर दिख रही है जिसमें तिरंगे का रंग भी साफ साफ नजर आ रहा है। रोवर पर लगे तिरंगे की ये तस्वीरें विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से ली गई हैं। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। चांद पर लैंडर की लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आया था। लैंडिंग के बाद धूल का गुबार खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला।
और फिर चांद पर चहलकदमी के साथ ही रोवर के हर कदम की छाप चांद की सतह पर पड़ने लगी, कुछ इस तरह से अशोक स्तंभ और इसरो के निशान के साथ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल है। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है, ये हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत। अविश्वसनीय। अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में
सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है।